2022 के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर हर राजनीतिक पार्टी जोरों शोरों से तैयारी में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य होने की वजह से गुजरात का चुनाव अहम है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाई, जिसके बाद वे अब अपनी किस्मत गुजरात में आजमाना चाहती है। अरविंद केजरीवाल एक हफ्ते के लिए गुजरात दौरे पर हैं, जिसको लेकर वे बड़े बिजनेसमैन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एवं जनता से मुलाकात कर रहे हैं। 12 सितंबर को अहमदाबाद के टाउन हॉल में ऑटो चालकों की मीटिंग रखी गई थी अरविंद केजरीवाल के साथ, जिसके बाद एक ऑटो चालक ने केजरीवाल से अनुरोध किया कि वे उनके घर पर दावत के लिए जाएं। केजरीवाल ने उस ऑटो रिक्शा चालक के अनुरोध को मान लिया, मगर सबको आश्चर्य तब हुआ जब केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री गाड़ी में ना बैठकर उस चालक के ऑटो रिक्शा में बैठकर उसके घर जाने लगे, जिसके बाद उनकी बहस अहमदाबाद के ADG से हो गई। ADG ने सुरक्षा का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल से अनुरोध किया कि वह मुख्यमंत्री गाड़ी में जाएं। यह सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के विरुद्ध है, जिसके बाद केजरीवाल ने ADG से कहा कि अपनी सिक्योरिटी अपने पास रखो, मुझे जरूरत नहीं है, मैं आम आदमी का नेता हूं, मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। भारी गहमागहमी के बाद वे ऑटो चालक के घर गए, जहां उन्होंने बातें की और भोजन खाया। फिर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने BJP सरकार पर निशाना साधा और कहा कि गुजरात में रिक्शा चालकों की हालत बेहतर नहीं है। बहरहाल केजरीवाल का ऑटो रिक्शा से ये प्रेम कोई पहली बार नहीं है। दिल्ली में वे एक बार बतौर मुख्यमंत्री एक ऑटो चालक के घर दावत पर गए थे। केजरीवाल और ऑटो रिक्शा का एक और रिश्ता 2013 के समय बहुचर्चित हुआ था, जब 2013 के एक जनसभा में एक ऑटो रिक्शा चालक ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद उस ऑटो चालक ने दूसरे दिन मीडिया से बात करते हुए कहा कि उससे बड़ी भूल हो गई, अरविंद केजरीवाल उसके लिए भगवान समान है। बहरहाल चुनाव आते ही हर राजनीतिक पार्टी के अपने अपने एजेंडे सामने आने लगते हैं। क्या ऑटो रिक्शे की सवारी करने से अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव में अपनी छाप छोड़ पाएंगे, यह अहम सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस बारे में जरूर बताएं हमें कमेंट करके। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल चेन एंड बोल्ट। धन्यवाद।